नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर किसी भी एक पार्टी का जब हम लेजर ओपन करते हैं, तो उस लेजर ओपन करने के बिल्कुल एंड के अंदर आपने कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस के दौरान कुछ अमाउंट आपने देखी होगी। ये अमाउंट आपकी इस साइड भी हो सकती है, ये अमाउंट आपकी यहाँ पर भी हो सकती है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपको तभी दिखेगा जब आपका ये जो करंट टोटल है, इन दोनों करंट टोटल के अंदर अमाउंट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तब आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आपको शो होगा। तो आखिरकार इस क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है और इस क्लोजिंग बैलेंस को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो डिफरेंस है ये हमें पे करना है या रिसीव करना है, यानी कि इतनी पेमेंट हमें देनी है या पैसा हमें रिसीव करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन ये, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको देखना हो, क्योंकि कुछ आपके लेजर ऐसे भी होंगे जो ड्यूरिंग द ईयर है जो बिल्कुल क्लोज भी हो चुके होंगे, तो अगर आप बैलेंस आप देखना चाहते हो किसी भी पार्टी का, तो वो आपको दिखेंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, यानी कि बैलेंस शीट में, या आप ट्रायल बैलेंस के अंदर भी चेक कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस खोलने के लिए आपको एल्ट जी यानी कि गो टू पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे सर्च करना है ट्रायल बैलेंस, तो आपको ये फाइनल अकाउंट रिपोर्ट के अंदर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एल्ट एफ वन और यहाँ पर मैं पीरियड दे देता हूँ पूरे ईयर्स का, ठीक है। अब उसके बाद में यह आप देखोगे एक कॉलम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है डेबिट का और एक दिखाई दे रहा है क्रेडिट का। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक लेजर को ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने सेंट्री क्रेडिटर है और सेंट्री क्रेडिटर के ग्रुप को ओपन किया और इस ग्रुप के अंदर मेरे पास में दो सप्लायर है, किसी एक सप्लायर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे हमने इस लेजर को ओपन किया तो आपने देखा होगा इसकी पूरी डिटेल आ गई, यानी कि पूरी साल की अकाउंट की स्टेटमेंट आ गई। यहाँ पर इसका एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। या हम F12 बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद में शो रनिंग बैलेंस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल्कुल लास्ट में, इसको यस करेंगे। तो जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पर एक बैलेंस का कॉलम और ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने देखें तो यहाँ पर अमाउंट आ रही है 25,816 रुपए की, ठीक है। और यहाँ अगर अपने बात करें बिल्कुल एंड में तो यहाँ पर भी एक अमाउंट आ रही है 25,816 रुपए की क्लोजिंग बैलेंस में। यहाँ इसके आगे CR लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्रेडिट अमाउंट के सीध में आ रहे हैं। तो अब आपको क्रेडिट को देख के ये चेक करने करना कि ये पैसा देना है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि आप लेजर किसका चेक कर रहे हो। जैसा कि मेरे पास राम एंड कंपनी है, यानी कि ये आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी हो सकता है, आपका बैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो रहा है तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ये पैसा हमें अभी इस कंपनी को जो हमने लेजर ओपन करके रखा हुआ है इस पार्टी को पे करना है, यानी कि इसका जो बैलेंस है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर आ रहा है, तो ये हमारी लायबिलिटी बन रही है, ये पैसा हमें पे करना है। इसी तरीके से किसी दूसरे लेजर को ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने एक सैलरी डेप्टर यानी कि मेरे कस्टमर का लेजर मैंने ओपन कर लिया, तो अगर आप रनिंग बैलेंस देखना चाहते हो तो सेम वही ऑप्शन F12 बटन प्रेस करेंगे, शो रनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका रनिंग बैलेंस दिखेगा। और यहाँ अगर रनिंग बैलेंस की बात करें तो यहाँ आ रहा है 4,370 रुपये और 2 पैसे DR आ रहा है, ठीक है। और यहाँ इसका अगर अपने क्लोजिंग बैलेंस देखें तो यहाँ पर भी 4,370 रुपये और 2 पैसे, ये किस साइड में आ रहा है, ये इस डेबिट साइड के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर डेबिट साइड का मतलब हो गया, अभी आप लेजर चेक कर लो, लेजर किसका आ रहा है, MMD कंपनी। अब ये भी आपका सप्लायर हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका बैंक हो सकता है, तो इसका मतलब क्या बन गया, भी ये जो पैसा है ये हमें इस लेजर से यानी कि MMD कंपनी से लेना है, यानी कि रिसीव अभी करना है, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर इस पार्टी का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो पैसा हमें लेना है। इसी तरीके से अपने एक लेजर को और ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने इस परचेज को ओपन कर दिया, इंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पर डिटेल देख ली। अब यहाँ देखो, अब इस परचेज का लेजर का भी साइड जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट साइड के अंदर आ रहा है 1,58,710 का। अभी हमने डिस्कस किया था भी अगर वो डेबिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो पैसा हमें रिसीव करना होता है, तो क्या ये पैसा भी हम रिसीव करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको लेजर देखना, लेजर आप किसका देख रहे हो,
इलेक्ट्रिकल 12% परचेज का, यानी कि ये हमारा किसके अंदर कवर हो रहा है, रियल अकाउंट के अंदर कवर हो रहा है, यानी कि ये हमारी परचेज है, ये हमें कोई पैसा देना नहीं है, जबकि ये एक तरीके से हम देखें तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन रहे हैं, ये हमारी परचेज है, इसका पेमेंट हमें करना नहीं है। अगर यही हमारा कोई कस्टमर का या किसी सप्लायर का लेजर होता और उसका बैलेंस डेबिट साइड के अंदर आता तो हम कह सकते हैं कि वो पैसा हमें लेना है। जैसा कि एक वापस हम लेजर को ओपन करते हैं, सैलरी डेबिटर पे चलते हैं और एक हमारे पास में कस्टमर ही है, और इसके अगर आप देखोगे तो 126 रुपये डेबिट साइड है, क्रेडिट इसके अंदर कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका 126 का ही आ रहा है। अब इसका मतलब आप लेजर चेक कर लो किसका है, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का। अगर आपका ये सप्लायर है, आपका कस्टमर है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पैसा इससे हमें लेना है, हमें रिसीव करना है। इसी तरीके से अगर अपने क्रेडिट साइड का बैलेंस सेल का देखते हैं, ये हमारे पास में एक सेल है और ये सेल का आप देखोगे तो यहाँ पर इसका क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है 2235 रुपये और 19 पैसे का। अब क्रेडिट का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, भी अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हमें पे करना होता है, लेकिन अब ये पैसा हमें पे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हमारा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये हमारा बिजनेस का रियल अकाउंट है, यानी कि एक सेल अकाउंट है ये, और सेल हमारा एक तरीके की इनडायरेक्ट, जो हमारी डायरेक्ट इनकम मानी जाती है। परचेज अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो सेल आप डायरेक्ट इनकम भी मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये पैसा हमें किसी को देना नहीं है, जबकि ये हमारा एज ए इनकम का पार्ट आ रहा है। इसी तरीके से कुछ आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसा कि मैंने एक लेजर यहाँ पर ओपन कर दिया और ये बैलेंस भी डेबिट साइड के अंदर आ रहा है, क्लोजिंग इसके अंदर कुछ नहीं है, सारा का सारा 200 रुपये डेबिट आ रहा है। तो अब ये डेबिट का मतलब ये पैसा हमें रिसीव करना है, नहीं करना, क्योंकि लेजर को आप देखो, लेजर किस टाइप का है, ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारी कंपनी का खर्चा हो चुका है, ये हमें कोई न तो देना न किसी को लेना, ये हमारा एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये इसका जो ग्रुप हमारा किसके अंदर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो डायरेक्ट सी बात है भी जो हमारे सेंट्रिक क्रेडिटर होंगे, डेप्टर होंगे, क्रेडिटर होंगे, इसका मतलब वो पैसा हमें उनको देना होता है, क्रेडिटर का मतलब वो पैसा हमें, डेप्टर का मतलब वो पैसा हमें उससे रिसीव करना है। इसी तरीके से आपके पास कोई बैंक हो सकता है, जैसा कि मान लीजिए हमने बैंक का एक लेजर ओपन कर दिया, ठीक है। अब इस बैंक का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो लेजर क्या आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक बैंक है। बैंक आपका कोई भी हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है। यहाँ पे आप देखो 32,500 रुपये क्रेडिट साइड के अंदर इसका बैलेंस आ रहा है। शो रनिंग बैलेंस करके आप देखोगे तो आप इसको यस कर दिए, यहाँ देखोगे इसका 32,500 रुपये CR के साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये पैसा 32,500 रुपये बैंक को अभी हमें पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि बैंक हमारा किसके अंदर कवर होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस अगर हमारी बुक्स के अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर उसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो पैसा हमें पे करना है। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसका पैसा डेबिट साइड के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब वो पैसा हमें उसे रिसीव करना होता है। तो आई होप कि आप डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट्स अगर आपके सामने कुछ हो तो आपको सबसे पहले उस लेजर को जरूर देखना है भाई, जो लेजर है उस लेजर का आपने ग्रुप क्या दे रखा है। जैसे आप यहाँ देखोगे कैश इन हैंड, तो अगर अपने कैश इन हैंड की बात करते हैं तो कैश इन हैंड का भी ये बैलेंस आपका जो है डेबिट साइड के अंदर ही आ रहा है। यहाँ देखोगे 38,920 रुपये इस डेबिट साइड के अंदर आ रहा है। शो रनिंग बैलेंस करके देख लीजिए, वहां पर भी आपको इसके आगे DR दिखाई देगा। यहाँ देखिए 38,920 रुपये 3 पैसे DR है। अब DR का मतलब ये कोई पैसा हमें रिसीव नहीं करना है, ये हमारा केस है, ये हमारा एज ए रियल अकाउंट के अंदर कवर हो रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक तरीके की एसेट्स है, ये पैसा हमारे पास में एज ए केस के रूप में बचा हुआ है, ये हमें पैसा को देना या लेना नहीं है। तो इसलिए आपको कहते हैं भी जब भी आपको टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो टेली सॉफ्टवेयर से सीखने से पहले आपको जो अकाउंटिंग की जो बेसिक बातें हैं वो बातें आपको सीखने बहुत जरूरी होती है। तो आई होप कि आप डेबिट और क्रेडिट की जो क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई दे तो आपको तुरंत ये फैसला नहीं लेना भी क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है तो वो पैसा हमें उसको पे करना है। उससे पहले आपको उस लेजर को जरूर देखना है, लेजर किस टाइप का आपने ओपन कर रखा है। सेल है तो वो आपकी इनकम है, बैंक है तो इसका मतलब बैंक को पैसा देना है, कोई आपका सप्लायर है इसका मतलब आपको सप्लायर को पैसा पे करना है, कोई कस्टमर है उसका बैलेंस आपका डेबिट साइड के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब वो आपने पैसा रिसीव करने है। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस का लेजर ओपन कर रखा है तो उसका बैलेंस भी डेबिट साइड में आएगा तो इसका मतलब वो पैसा आपको रिसीव नहीं करना, वो आपकी कंपनी का एक्सपेंसेस है, वो खर्चा हो चुका है, वो आपको किसी से रिसीव होने वाला नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।